कैसे हो बच्चों? तो अभी एक सीक्वेंस स्टार्ट करनी, एक सीरीज स्टार्ट करनी है। पहले ऑर्गेनिक सॉल्व करते हैं, फिर फिजिकल केमिस्ट्री। ये ज़्यादा बढ़ जानी है। पहली प्रॉब्लम ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये है, और थर्ड प्रॉब्लम ये है। तो आज की क्लास में ये पहले तीन प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, पूरे स्टेटमेंट समझा रहे हैं। कह रहे एक कंपाउंड ए है, ठीक है जी, इसको आपने ओजोनोलिसिस करो। तो इसने क्या जनरेट करा? इसने अंदर दो कार्बन रहे होंगे। कैसे मालूम? डिस्कस करते हैं। अब यहां पे तो यहां तक तो पहुंच गए। कह रहे सी रिड्यूसेस टॉलरेंस रेजेंट। अगर सी टॉलरेंस रेजेंट को रिड्यूस कर रहा, अगर सी ने टॉलरेंस रेजेंट को रिड्यूस करा, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये एल्डिहाइड है। और अगर इसे हमने कॉन्सेंट्रेटेड एल्केली के साथ रिएक्ट करा, तो ये एसिड दे रहा और मिथेनॉल दे रहा, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा, यानी कि कैनेजारो रिएक्शन है। ये कैनेजारो रिएक्शन है। और उस कैनेजारो रिएक्शन के अंदर कार्बन कितने हैं? एक ही कार्बन है। यानी वो कोई ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास एक ही कार्बन हो, तो ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वो तो सिर्फ एक ही है, HCHO। कैसे डिसाइड करा? HCHO को ऑक्सीडाइज करा, तो इसने खुद को कन्वर्ट करना मिथेनोइक एसिड में। अगर इसको रिड्यूस करा तो मिथाइल अल्कोहल में। कह रहे क्या आप बता सकते हो कि ए बी और सी के स्ट्रक्चर क्या है? यहां तक सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो गई, बहुत ही आसान सी चीज है। इससे यह मालूम होता है कि भाई इसमें कम से कम दो बार ही डबल बॉन्ड है। इसमें कम से कम दो बार डबल बॉन्ड है। कैसे मालूम? भाई यहां पे जो है ना, ये एल्डिहाइड ये तभी आते जब इसके साथ डबल बॉन्ड हो। तो अपने पास एक मेन फ्रेम है जिसमें तीन कार्बन है, और तीन कार्बन के तुरंत बाद एक डबल बॉन्ड इस वाली साइड पे भी है, इस वाली साइड पे भी है, और एक साइड तो सिर्फ एक ही कार्बन है। और इस साइड कितने कार्बन है, इसका आइडिया तुम्हें इस बात से लगना है कि यहां पे जो कंपाउंड जनरेट हो रखा है, उसने दो कार्बन के एसिड जनरेट करे और तीन कार्बन के कीटोन जनरेट करे। सपोज अगर हमने ऐसे यूज करना है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अगर हमने इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराई, तो इसने क्या जनरेट करना है? इसने कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट करना है। यानी एक सी डबल बॉन्ड ओ तो गायब हो गई। तो अगर एक सी डबल बॉन्ड ओ गायब हो गई, तो बच्चे कितने हैं? तो बच्चे कितने हैं? बच गए अपने पास तीन। तो ये जनरली 2N-1 का फॉर्मूला है। अगर दो है तो कितने होने चाहिए थे? दो है तो इसको ऐसे लिखते 2N-1। तो 2N का मतलब 2 × 2 − 1 कितने हो गए? 3। तो यहां पे इससे मालूम होता है कि एल्डिहाइड में कम से कम दो कार्बन थे, तो यहां पे कम से कम दो कार्बन डाल दिए। अब इसके नाम क्या हो सकते हैं भाई? इसकी नॉमिनिक्लेचर क्या हो सकती है? नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका नाम हो गया हेक्स 1,4-diene। इतनी आसान सी चीज है, इतनी आसान सी चीज है। हेक्स 1,4-diene का पर्पस यही है कि जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करना है? उस वाली साइड को देखो। यहां पे अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो होना क्या है? एक्चुअली हुआ क्या इस वाली केस में? हमने इस वाली पार्ट को ब्रेक करी, एक ऑक्सीजन इस वाली साइड पे और एक ऑक्सीजन इस वाली साइड पे। इधर भी ब्रेक करी, एक ऑक्सीजन इस वाली साइड पे, एक ऑक्सीजन इस वाली साइड पे। ये अपना कंपाउंड था। तो बीच वाले ने क्या जनरेट करा? सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। और इस वाली साइड ने क्या जनरेट करा? सी डबल बॉन्ड सी। और इस वाली साइड ने क्या जनरेट करा? इस वाली साइड ने जनरेट करा सी एच ओ। जब तुमने इसे ऑक्सीडाइज करा, जब तुमने इसे ऑक्सीडाइज करा, तो इसने क्या जनरेट करा? सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये पूरी प्रोसेस थी। जब कभी भी हमें ओजोनोलिसिस करना हो, यही तरीका है। जहां पे डबल बॉन्ड है उसे ब्रेक करा, एक ऑक्सीजन इस वाली साइड पे, एक ऑक्सीजन इस वाली साइड पे, दुखी कोई ना हो, दोनों अपने अपने घर जाते हैं। तुम्हें पहली लाइन पढ़ते ही ओपिनियन बनाने की जरूरत नहीं। एक जासूस की तरह तुम्हें आखिरी ऑप्शन तक खुद को ओपन रखना है। पहले एज्यूम कर रही जुतनी कि इसका आंसर तो यही होगा। ऑप्शन होने पे यही प्रॉब्लम होती है, हम बायस्ड हो जाते हैं, अपनी ओपिनियन बायस्ड हो जाती है। इस केस में क्या कह रहे? एक कीटोन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो भाई अगर वो कीटोन है और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा, तो उसके पास किसी न किसी साइड से ये ऑप्शन तो होगी ही होगी। किसी न किसी साइड से वो मिथाइल कीटोन तो होगा ही होगा, या तो इस वाली साइड से या उस वाली साइड से, किसी भी साइड से हो सकते हैं। तो अभी पहली लाइन से हमें यह मालूम होता कि पहली लाइन ने बताया कि उसके पास वो एक मिथाइल कीटोन है। कितने कार्बन है मालूम नहीं,
और इसने क्या जनरेट करा, ये अपना ये अपना ए है जिसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं। इस ए ने जनरेट क्या करा, इस ए ने अपॉन रिडक्शन बी जनरेट करा, ए ने अपॉन रिडक्शन बी जनरेट करा। तो अगर हमने कीटोन को अगर हमने रिड्यूस करा तो क्या बना सकता भाई, अल्कोहल बनाना है और वो भी 2 डिग्री अल्कोहल, ये तो फिक्स है। अगर हमने एल्डिहाइड को कीटोन को रिड्यूस करा तो उसने 2 डिग्री अल्कोहल जनरेट करना है। तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बन गई, कोई ना कोई तो होगी। नेक्स्ट पार्ट इज विच अपॉन हिटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट सी। अब 2 डिग्री अल्कोहल को अगर तुमने H2SO4 के साथ गर्म करा तो इसने सी जनरेट कर रहा है। यहाँ पे इन्हें टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना था क्योंकि अल्कोहल ईथर भी जनरेट कर सकता और अल्कीन भी जनरेट कर सकता। तो यहाँ पे इन्होंने अल्कीन की बात कैसे करी वो देखते हैं। इसने कहा जो प्रोडक्ट सी है अगर वो ईथर होता तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हम ये बात मान के चल रहे कि ये अल्कीन है, और अगर ये अल्कीन है तभी इसने ओजोनोलिसिस रिएक्शन जनरेट करी। और क्या जनरेट करा, एसिटिल एल्डिहाइड और एसीटोन, यानी कि ये कंपाउंड और फिर ये कंपाउंड, इसके 2 पार्ट बन गए। अगर इसके 2 पार्ट बन गए तो हमें अगर ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट से तो उन्हें इकट्ठा करने का, उनसे रिएक्टेंट बनाने का बढ़िया सा तरीका क्या होता कि जो सी डबल बॉन्ड ओ है उनको साथ लेकर आए, जो पार्ट पे सी डबल बॉन्ड ओ है उसे साथ लेकर आए और इस सी डबल बॉन्ड ओ को गायब कर देते हैं। और जैसे ही आपने इसको गायब करा अब ये कंपाउंड कुछ इस तरीके की हो गई। तो ये 2 कार्बन, यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के साथ 1 कार्बन, यानी टोटल इतने कार्बन हैं इसके पास। तो ये तो अल्कीन है, अगर ये अल्कीन है तो इसका अल्कोहल क्या होगा, अगर ये अल्कीन है तो इस अल्कीन का अल्कोहल क्या होगा, जिससे ये अल्कीन जनरेट हो गई, वह अल्कोहल कैसा हो सकता है, वह अल्कोहल ऐसा होगा। और अगर इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा तो वो कीटोन कैसा होगा, वो कीटोन इस तरीके का होगा, वह इस तरीके का कीटोन होगा। अब इसे वापस से देखते हैं, ये अपना कीटोन था और ये मिथाइल कीटोन है जिसके कारण ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा। जब तुमने इसे रिड्यूस करा इसने 2 डिग्री अल्कोहल जनरेट कर दी, जब तुमने इसके ऊपर H2SO4 डाला तो इसने ये कंपाउंड जनरेट करी, और जब इसकी ओजोलिसिस हो गई तो यहाँ से ब्रेक करा, एसिटिल एल्डिहाइड और एसीटोन जनरेट हो जाते हैं। अब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अगर तुमने पहले ही कोई ओपिनियन जनरेट कर ली तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी है फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने में। तो अपना दिमाग ओपन रखना और आखिर तक हर एक बात की जो इंटरफेरेंस है, जो कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन, कोई डाउटफुल हो, अगर उसने कुछ डाउटफुल क्रिएट कर रखी है, हम दोनों एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं। जैसे इस वाली केस में ईथर का भी ऑप्शन सेलेक्ट करा और अल्कीन का भी, ईथर को इसलिए रूल आउट करा क्योंकि ईथर के साथ ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती ही नहीं। इसे आधे सॉल्व हमने करना, आधे सॉल्व तुमने करना है। कह रहे अल्काइन विद द 5 कार्बन, यहाँ पर पहले ही इसने बता दिया अल्काइन है और इसमें 5 कार्बन है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये 5 कार्बन ऐसे हो एक साथ एक सीध में, डबल बॉन्ड की कहीं पोजीशन हो सकती है, ये लीनियर हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, लेकिन कैसे है मालूम नहीं। कह रहे जब इसके हमने मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई तो इसने एक कंपाउंड क्रिएट करा। अब अगर ये सॉल्ट HgSO4 के साथ रिएक्ट करे तो इसने क्या जनरेट करना, इसने कीटोन या एल्डिहाइड जनरेट करना है, और वो ऑक्जाइम जनरेट कर रहा। मान लो ये अपना कीटोन है और इसने NH2OH के साथ रिएक्ट करे, ये चीजें बाहर आ जानी है। अगर ये चीज़ें बाहर आ गई तो अपने पास जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा भाई, अपने पास जो प्रोडक्ट है वो NOH बन जाना है, और यही कंपाउंड ऑक्जाइम्स कहलाते हैं। ऑक्जाइम्स का मतलब है कार्बोनिल ग्रुप होनी चाहिए। ऑक्जाइम्स ने सिर्फ इतना इंडिकेट करा कि यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप है तो वो एल्डिहाइड भी हो सकता और वो कीटोन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा कि वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ उसकी कोई रिएक्शन नहीं है, यानी कि वो एल्डिहाइड नहीं है। अगर रिएक्ट नहीं कर रहा तो वो एल्डिहाइड नहीं है। कंपाउंड अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स डाइमिथाइल एसिटिक एसिड,
एंड रिएक्ट्स विद सोडियमाइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइन. तो यहां से आगे का पार्ट एक बारी तुम्हें सॉल्व करना है. एक बारी फिर से देखो कि अब तक मैं क्या सीखा. अब तक मैं ये सीखा कि भाई इसके पास कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं. तुम्हें एक बार कॉम्बिनेशन बना के देखनी है. और इसने क्या करा, इसने क्या करा, HgSO4 के साथ जब इसने रिएक्ट करा तो इसने एक कंपाउंड जनरेट करी जो कीटोन था, जो कम से कम तो एक तो कीटोन जनरेट कर ही रहा था. वो एल्डिहाइड नहीं था, वो एल्डिहाइड नहीं था. यहां तक तो चीजें कन्फर्म है. अब कह रहे हैं ऑक्सीडेशन के ऊपर जो चीजें बनी उसने ऑक्सीडेशन के ऊपर डाइमिथाइल एसिडिक एसिड क्रिएट करी. और यहां पे ही इसके स्ट्रक्चर का हिंट है. वो कौन से कंपाउंड है जो डाइमिथाइल एसिटिक एसिड क्रिएट कर सकती है. फॉर एग्जांपल सपोज इस वाली प्रॉब्लम को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तुम्हारे लिए. तो क्या करा, ये लिखा CH3, ये है CH3 और ये है COOH. तो ये एसिटिक एसिड के साथ डाइमिथाइल, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम तो है नहीं, ये डाइमिथाइल एसिटिक एसिड इस तरीके से लिख रहे हैं. और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक स्ट्रक्चर ये हो सकती. तुम इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे डालोगे तो ब्रांचिंग हो ही नहीं सकती. तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये लीनियर से मॉलिक्यूल है. इसके बाद कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है नहीं. तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है, या तो ए है या फिर बी है. सारी चीजें हमने सॉल्व ही कर दी एक तरीके से, मगर फिर भी तुम्हें दिमाग लगाना है. अब तुम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें रिवीजन कैसे हो रही. अब यहां देखो इसने क्या करा, इसने हाउ टू डिस्टिंग्विश यूज करा. इसने ऑक्जाइन के रिएक्शन यूज करे जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. फिर इसने क्या करा, इसने अभी तक तो आइसोमर वगैरह इन्वॉल्व नहीं करे, लेकिन इसने हाइड्रोकार्बन का पार्ट भी यूज कर लिया. यानी हाइड्रोकार्बन भी है, कार्बोनिल ग्रुप भी है, और डिफरेंशिएशन भी है, एल्डिहाइड कीटोन के बीच का डिफरेंस भी है. तो इस तरीके के प्रॉब्लम हम जब यूज करते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं, खास करके जब अपनी प्रिपरेशन के आखिरी स्टेज के ऊपर होते हैं. एक तरीका तुमने नोट्स लिखे उसे रट्टा मारा, वो भी कोई तरीका नहीं. तो एक तरीका ये बच जाता, सबसे इफेक्टिव तरीका ये बच जाता कि तुम्हारे पास एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, तुमने वहां के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करा. तो जो तुम्हारे दिमाग में है वो चीजें इन्वॉल्व हो गई, वो चीजें यूज हो गई, जो चीजें नहीं है वो तुम यहां से सीख रहे. तुम्हें वीडियो के कमेंट के नीचे लिखकर बताना है कि भाई तुम्हें ये तरीका कंफर्टेबल लगा क्या, चैलेंजिंग लगा क्या, ये सीखने का बढ़िया तरीका तुम्हारे अकॉर्डिंग है या नहीं.